हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमुद गिरधर और मैं आज आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूँ कि जो लॉकडाउन चल रहा है और इसमें आपको दवाइयाँ मिलने की और जो भी लोग दवाइयों पर डिपेंडेंट हैं उनको दिक्कत हो रही है, खासकर डायबिटीज और हाई बीपी वालों को काफी दिक्कत हो रही होगी। तो उसका मेरे को भी काफी इंसुलिन मैं पिछले काफी सालों से ले रहा था और साथ में बीपी की भी मेरी अच्छी खासी दवाई चलती है और बीपी दवाई लेने के बाद भी 100 के आसपास नीचे का और ऊपर का 160 170 कभी ऐसे भी चला जाता था बार बार। तो अचानक मेरे को एक आइडिया आया कि देखा मेरा जो बजट था दवाई का वो लगभग 6-7 हजार की दवाई मैं महीने की खा रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि सुन रखा था कई बार कि अगर अपना खाना ठीक कर दो तो बीपी और शुगर कोई बीमारी ही नहीं है। तो मैंने पिछले 4-5 दिन से ये किया कि मैंने सिर्फ अपने आप को केलों पे रखा, मतलब 11-12 केले, क्योंकि हालांकि जबकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि केला खाने से शुगर बढ़ती है पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने लगभग दिन में 11-12 केले और उसके साथ नमक छोड़ दिया, बल्कि अंगूर भी खाए थोड़े से अच्छे खासे अंगूर, ज्यादा क्वांटिटी में खा लिए। तो मेरी शुगर जो नॉर्मली इंसुलिन लेने के बाद मैं इंसुलिन की यूनिट मेरी चलती है, जैसे नोवारैपिड जो लोग यूज करते हैं मालूम होगा कि नोवारैपिड इंस्टेंट शुगर घटाने के लिए और लेंटेस होता है जो पूरे दिन काम करता है, तो मैं 12-12 यूनिट तीन बार नोवारैपिड ले रहा था और 15 यूनिट के करीब मैं लेंटेस लगा रहा था, तब भी मेरी शुगर का लेवल कभी भी 250 से नीचे दिखा नहीं, 220-250 ऐसे रहता ही था। तो पिछले 5 दिन में ये फायदा हुआ है, 5-6 दिन में जब से मैंने ये किया है, मैंने कोई एक भी दवाई शुगर की नहीं ली है। बीपी की दवाई मेरी जो चल रही थी टेलमा एम और इकोस्प्रिन 75 करके मेरे को दी जा रही थी, तो उसको भी कम करके मैंने एस्लो 2.5 बिल्कुल ही माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड पे आ गया। हालांकि वो मैं इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि, लेकिन ये कि आप जो भी ये सब करें तो अपने घर में आपके घर में बीपी और शुगर की मशीन होनी चाहिए ताकि आप उसे दिन में 2 बार आप चेक कर सकें। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पिछले 2 दिन से मेरा बीपी जो है वो 78 और 130 के आसपास आ रहा है, बल्कि 130 से भी नीचे आ जाता है, जो कि मैंने पिछले 15 साल में कभी देखा ही नहीं था। और शुगर का मैंने कोई ना इंसुलिन लिया ना कोई किसी तरह की मेडिसिन नहीं ली और मेरी शुगर की रेंज जो है वो 170 के आसपास चल रही है, 170 से जब मैक्सिमम जाती है 200 तक जाती है और नीचे 170 चल रही है, और फर्स्ट क्लास बॉडी और स्किन में भी फर्क लग रहा है, जो एलर्जी रहती थी वो भी कम हुई है, स्किन में थोड़ा शाइन भी बढ़ा है। तो जो भी लोग, और दर्दें सबसे बड़ी बात है, जो शरीर में दर्दें थी वो भी उसमें भी बहुत फर्क है और बॉडी हल्की सी ऐसे लग रहा है, लाइट लग रही है, बॉडी ब्रीथ कर रही है, पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है पोर्स में से ऑक्सीजन ले रही है। तो जो भी लोग घर में बैठे हैं तो घर में बैठ के वेट ना बढ़ाएं और अपना थोड़ा सा ऑर्गेनिक खाना खाएं। एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि एक दर्जन केले 60 रुपए के मिल रहे हैं, 60 रुपए में आपका गुजारा चल रहा है और कम से कम रोज की 150 रुपए की दवाई छूट रही है। तो देखो करके, अगर हो सकता है तो करके देखो और मजा आएगा। और इससे सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये भ्रम टूट गया कि केले खाने से शुगर बढ़ती है, फ्रूट खाने से कभी शुगर नहीं बढ़ती, तो थोड़ा सा भी ख्याल रखोगे तो आप बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाओगे और मुझे लगता है कि जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप इस्तेमाल कीजिए इस चीज को, टेक्निक को, और फिर बताइए कि क्या रहा। थैंक यू।